क्यों का द्विवार्षिक पुनर्गठन और निर्वाचन, ये एक बड़ी हमारी संगठन की कामयाबी है। डूंगरगढ़ उप इकाई खाजुवाला, उप इकाई बीकानेर ग्रामीण और उप इकाई पांचू सहित जिले की समस्त तहसील इकाइयों का द्विवार्षिक पुनर्गठन और निर्वाचन कार्य 15 अप्रैल से 13 मई 28 दिन के शॉर्ट पीरियड में जिले की समस्त कार्यकारिणियों का द्विवार्षिक पुनर्गठन कर लिया गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं आपका समर्थन चाहूंगा तालियों के स्वरूप में। ये आप सबका योगदान है और आपके एक बीच में बिंदु छूट गया था 10 अप्रैल को, शिक्षा निदेशालय कमजोर हो रहा है, विभिन्न विभाग जयपुर में जा रहे हैं और शाला दर्पण जैसे कार्य भी जयपुर से हो रहे हैं, इन्हें रोकने हेतु 10 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री को बीकानेर सर्किट हाउस में हुए सत्र 2021-22 में आय व्यय का ब्यौरा में हमारे कोष अध्यक्ष जिले के कोष प्रभारी अनिल जी भाई साहब की आह्वान है, लेकिन इनका आशीर्वाद रहता है तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रदेश से हमें कुल रसीदें 1000 प्राप्त हुई 2021-22 के लिए और तहसीलों में वितरित करने के बाद पुनः प्राप्त हुई 900 रसीदें, 100 रुपया एक रसीद का है, 90,000 रुपया तहसीलों से कुल मिलाकर के सदस्यता संख्या हुई। जिले का अंशदान 50%, 45,000 रुपया टोटल। जिले चक्के खुशी अपनी, लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दिए जलाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तुम जी के दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तुम जी के दिल जमाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन, आपको प्रणाम। मैं हमारे वरिष्ठ साथी गुरु प्रसाद जी भार्गव साहब को कि वो मंच पर आए और हमारे मंचस्थ अधिकारियों का स्वागत का कार्यक्रम संचालित करें, मैं इनको स्वागत करें। तोड़ हाथ लगाओ भी। हमारे कोषाध्यक्ष अनिल जी का स्वागत करेंगे गोपाल। जिले में आए वहां पर रोक में था, हमारे कुलैंड ब्लॉक के सभाध्यक्ष राजकुमार जी का स्वागत कर देंगे। ब्रजेश गौतम जी जाजरा रह करके और हमारे संगठन की जो सेवा इन्होंने की है वो कभी कम नहीं होगी, कभी भूल नहीं पाएंगे कि पूरे राजस्थान के प्रकरण जब भी कोई बात होती है तो सीधे भाई साहब याद आते हैं, सीधे हम पहुंचते हैं तो काम होते हैं, तत्काल फोन पर भी हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत ऊपर देखो सर, राजस्थान की ये स्थिति चल रही है, बावजूद इसके आप सबका इस शालीनता के साथ बिना कूलर पंखे यहाँ आना बैठना, ये साबित करता है कि संगठन के कितने बड़े आप सिपाही हैं। बीकानेर जिला कार्यकारिणी ने सत्र 2021-22 में जो कार्य किए उसकी एक झलक, एक मामूली मैंने संक्षेप में आपके सामने रखी।
प्रथम सत्र का ये आयोजन चल रहा है, द्वितीय सत्र में निर्वाचन होगा। उससे पहले हमारे सीनियर साथियों के हम विचार सुनेंगे और इनका मार्गदर्शन लेकर के आगामी दो सत्रों की द्विवार्षिक रूपरेखा तैयार करके संगठन को कैसे आगे ले जाएंगे और क्या संघर्ष रहेगा और क्या आपकी हमारी इसमें भागीदारी रहेगी, इसके लिए मैं सबसे पहले तहसीलों से ही आमंत्रित करूंगा। ऐसे चलेगा नहीं अजय जी भाटी साहब, तो वर्षों में भाई साहब के इरादे इन्होंने बुलंद जाहिर कर दिए और अपने साथियों की टीम खड़ी की है, संगठन से जुड़े हैं, दोस्त पहले से ही हैं, विचारधारा पहले से ही हैं, आनंद जी भाई साहब के साथ ही हैं, फिर मेरे से मिलना होगा, फिर उसके बाद में हम साथ आगे बढ़े तो वो अपने अनुभव साझा करेंगे। राजकुमार जी उधर भाई साहब खजवाड़ा में प्रगतिशील हम समर्थक तो सही, लेकिन कोई हमारी कार्यकारिणी नहीं बनी हुई थी। भाई साहब ने पहली बार मुझे कहा कि आप ऐसी लदेश का कार्य संभालो और वहाँ एक नई टीम खड़ी हो। सकता है जिले की समस्त तहसीलों में अभी हमारा सबसे छोटा हो संगठन, क्योंकि लेकिन अब जब बुलाया गया है तो मैं परसों की एक बात बता रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि किसी ने मेरे को कह दिया कि आप भाई आप अभी ये नए सीधे से संगठनों का काम शुरू होगा तो सदस्यता अभियान भी होंगे सब कुछ ही होंगे, तो नए सत्र में हमने ये कहा था कि इस बार से हमें डबल कर लें क्योंकि हम अभी कम है, 1000 वाले को 2000 करना एक लक्ष्य बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे तो अभी 30-40 ही सदस्य हैं, तो उसको 90 तक का 100 तक का एक लक्ष्य लिया, ऐसी बात ही कर रहे थे। तो किसी से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके ये छोटा सा संकट से तो आप हमारे किसी में आ जाओ, दूसरे में आपको बताता हूँ इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, मतलब आप 2-3 में टाइम बना सकते हैं क्या? और दूसरी बात, आप जिस संगठन की बात कर रहे हैं उसके पीछे जो लगा हुआ है, जैसे शिक्षक संघ आनंद 10 आदमी क्या जाने लग गए, इन्होंने अपना संगठन अलग कर लिया, जोगिया जी ने अपना अलग कर लिया, आचार्य जी ने अपना अलग कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक संघ आचार्य, क्या फायदा? तभी तो हमें शिक्षकों की या कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान आगे हो नहीं रहा है। यहाँ अभी मैंने देखा है 1952 में इसका मतलब इस संगठन का निर्माण हो गया था और 72 में तो इसका पंजीकरण हो गया था, अभी मैंने गौर किया क्योंकि 3-4 दिन पहले की ये बहस है। जब हम टुकड़ों में बंट गए हैं और बंटने के कारण से हमारी ताकत कम हुई है, ये मैंने अपने खाजवाला शिक्षकों की एक अन्य कोई सरकारी कार्यक्रम में शिक्षक संघ के विषय में मैंने बात की, प्रगतिशील जुड़ा हुआ है यानी नवाचार होता ही रहेगा, जैसे जैसे समस्याएं आएगी उन्हीं के हिसाब से अपने को नवाचार प्रगतिशील है हम, न कि किसी जाति व्यक्ति क्षेत्र में बंटे हुए हैं कि बस ठीक है वहां से हम 100 आदमी को क्या जानने लगे, अपना एक अलग ही शिक्षक संगठन खड़ा कर लिया। चाहते तो ये भी कर सकते थे, सेवानिवृत्त हैं इनको तो पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, इतना इनका बड़ा सर्किल होता होगा, आज भी हमारे संघ को ये अपना कीमती समय दे रहे हैं और जैसे भाई साहब ने कहा कि इतने 45 डिग्री तापमान में आकर क्या स्वार्थ है इनका, इनको कौन सा अपना कोई व्यक्तिगत काम करवाना है, इनका तो अपना एक पर्सनल समाज होगा अलग से ही, लेकिन उसके बावजूद भी इस संघ से अपने दिल से जुड़े हुए हैं और मैंने ऐसे ऐसे तरह रख दिए वकील की तरह कि उनको कह दिया कि आप हमारे शिक्षक संघ में हो। में आज हम कमजोर हैं, कमजोर से महाशय ये है कि हमारे पास में अभी सक्रिय सदस्यों की संख्या सीमित है, सीमित है, लेकिन आने वाले समय में मैं प्रदेश एक समय ऐसा आएगा कि मैं यहाँ खड़ा होकर कभी फिर बोला तो ये कहूंगा कि आपके तहसील में कितने सक्रिय सदस्य हैं और राजकुमार जी वहां काम कर रहे हैं और सभाध्यक्ष हैं और ठेठ गंडी जैसी दूरस्थतम
स्थान पर पदस्थापित है, जहाँ से खाजुवाड़ा तहसील मुख्यालय पर जाने में भी मेरे ख्याल से 40 या 50 किलोमीटर लगते होंगे। वो तो कितना लगता है? 70 किलोमीटर। उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं और दिल से काम कर रहे हैं। अधिकारियों की फोन पर ईंट से ईंट बजाना जानता हूं और बजाई है मैंने, और राजकुमार जी भाई साहब इस बात के साक्षी हैं। संगठन का अगर शिक्षक का लीगल काम है तो हमें लड़ने में कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे कोलायत इकाई के सभाध्यक्ष आदरणीय भंगा सिंह जी भाई साहब का, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारा नेतृत्व तो है, वो आए और अपने विचार रखें भंगा सिंह जी साहब। सम्मानित मंच मंच के विराजमान भाई सारे प्रदेश के पदाधिकारीगण और सम्मान सचिव, जैसा कि राजकुमार जी ने सारी बातें बता दी किया, उसमें निकावत है कि बीच में खींच के लाए हैं। उन्होंने बहुत कुछ सारी प्रॉब्लम नहीं आती है, बाकी रहेगी ब्लॉक स्तर का काम, ब्लॉक स्तर का काम भी संभाल लेते हैं और बाकी जो मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। मोटरसाइकिल लेकर के पहुंच रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरु प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि वो इनका स्वागत करें। आ जाओ अनीश जी, आ जाओ। हमारे संगठन की ताकत, जो अंजुमन कोलायत की ही अंजुमन मैडम को, जो हमारे प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा प्रतिनिधि और हमारे कोलायत की महिला मंत्री हैं, ये हमारे जिले की अग्रिम पंक्ति की महिला नेत्री है। मैं जब जब भी जिस कार्यक्रम में जाता हूं, मैं इनका हमेशा जिक्र करता हूं, मैं इनका फैन हूं, क्योंकि ये जब कोलायत के कार्यालयों से गुजरती है तो लोग कहते हैं प्रीति सिंह आ गए, एक अकेली नारी सब पर भारी, एक अकेली नारी सब पर भारी। जब पीओ ऑफिस में जाती है तो मैडम कहती है प्रीति सिंह वाले आए हैं, इनका क्या प्रकरण है, बाकी है क्या, ये अंदर नहीं पूछते हैं। मैडम पहले पूछती है कि क्या प्रकरण है इनका, प्रीति सिंह वाले आगे आगे कौन, एक अकेली मैडम जाती है, एक अकेली नारी सब पर भारी। और हमारे सीबीओ कार्यालय में आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि तूफान जब आता है, भमड़िया जब आता है ना, तो एक वीडियो भी आया था, उसमें कई चीजें ऊपर उठ जाती है। ब्लॉक में जब एंट्री होती है, एक वो सीन क्रिएट हो रहा है, पत्ता खटड़ा होगा, तो ये हालात है। ये हमारे संगठन की ताकत, उसको कहते हैं बम्बूरी। हाँ, फिर वो वही स्थिति वहाँ ब्लॉक में है, सीपीओ कर ले जाते हैं, तो वो समसा के मेरा कहती है कि मैं सरस्वती जब रहा हूँ क्या सर धमकान किया, उन्हीं के साथ एक टेबल पर बैठ करके प्रगति सिंह वाली मैडम आई है, इनका क्या है, बाकी इनका जल्दी से इनको रवाना करो काम करके, इनको तो फिर आ जाएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ की महिला मंत्री अंजुमन आरा मैडम को, हमें उद्बोधन दें, हमारा मार्गदर्शन करें अंजुमन आरा मैडम। सर अपना एक संगठन को मजबूती दे रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रगतिशील शिक्षक संघ से 2003 से जुड़ी हुई हूँ, और तब से मैं मुझे इन सब का ऐसा सानिध्य मिला है कि मैं अकेली भी कहीं चली जाती हूँ तो मुझे शिक्षक संघ प्रगतिशील, ये संघ का नाम लेना ही अपने आप में एक काफ़ी होता है। मेरा नाम तो बाद में आता है, एक ये मायने जितना शिक्षक संघ रखता है उतना ही अपन एक पर्सन का भी रहता है। तो मैं पहले मेरे जो पदाधिकारी हैं जिनके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं उनके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगी, इजाज़त हो तो। तेरी अजमत है निगाहों में, तेरी अजमत है निगाहों में, यानी आप सबकी, चांद तारे बिछाऊं राहों में, गम का साया भी ना पड़े तुझ पर, खुदा रखे अपनी पनाहों में। इसी तरह से अपने जो शिक्षा संघ प्रगतिशील में हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं तो ये हमें मौका मिलना चाहिए और मिलता रहता है,
तो इसी मौके के दौरान हम एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे की उपलब्धि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो मैं एक शेर और अर्ज करना चाहूँगी, प्यार का जज्बा भी क्या ख्वाब दिखा देता है, प्यार का जज्बा भी क्या ख्वाब दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है। प्यार का जज्बा भी क्या ख्वाब दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है। अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। इसी ढंग से जब से हम इस संघ में जुड़े हैं तो हमें अपना आईना साफ दिख रहा है कि हम इस प्रगतिशील को और ज़्यादा प्रगति दे सकते हैं। और अपने जो साथी है, टीचर्स साथी है, उनकी कोई भी किसी तरह की समस्या हो उनका समाधान हम इन मतलब मेजोरिटी के साथ में, इस संघ के साथ में हम जुड़कर हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें कहीं भी कभी भी किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी अधिकारी आता है तो वो अपनी गलतियों को नहीं देखता, ठीक है, और अपने ऊपर हर तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखता है। और उस एक्सपेरिमेंट में अगर अपन फंस गए, हालांकि अपना और उसमें फंसने का कोई दायित्व तो नहीं है, हम समझते हैं कि हम यहाँ गलत है ही नहीं, उसके बावजूद उस चक्की में हमें पीसते रहते हैं, तो हमें उसका ऑब्जेक्शन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अगर हम उनकी गलतियों को एक्सेप्ट करते गए तो हो सकता है कि आने वाले सारे एक्सपेरिमेंट हमारे ही प्रयोगशाला में करते रहेंगे। तो इसका विरोध करना चाहिए, डरना नहीं है, क्योंकि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग खड़े हैं, ना कि कोई अधिकारी हमें अपने घर से बुला के लेके आया है कि ये सीट खाली है, आप यहाँ बैठें और यहाँ नौकरी करें। हमारी योग्यता थी इसलिए हम इस शिक्षा विभाग में आए हैं। तो मेरा तो जहाँ तक होता है मैं कुछ भी नहीं देखती, जहाँ गलत होती हूँ तो मैं लाखों में माफ़ी मांग लेती हूँ, जहाँ गलत नहीं होती हूँ तो मैं करोड़ों में कह देती हूँ मैं गलत नहीं हूँ। तो कुछ ऐसे मतलब अधिकारी होते हैं जो अपनी पोस्ट का ऐसा उनको गुमान होता है कि हम इन पर हावी हैं, हम इन पर बहुत ज़्यादा हावी हैं और हम अपने आप में बहुत ही एकदम दूध के धुले हुए हैं। कोई दूध का धुला हुआ नहीं होता है, कुछ वो फॉल्ट होते हैं तो कुछ हम भी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम वो अपने आप को 90% से समझते हैं और एकदम सही मानते हैं और 10% अपने को ये करते हैं कि भाई ये गलत है। लेकिन जो काम होता है वो हमें अच्छे से और ईमानदारी से तत्परता के साथ हमें अपने साथियों के साथ मिलकर करना चाहिए और ऐसी हमें ऐसी शिकायत का मौका कभी नहीं देना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई अधिकारी उंगली उठाए या हमारे खिलाफ़ कोई नोटिस जारी कर दे। तो मैं सभी साथियों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि अपने हौसले को थोड़ा बुलंद करो, डरना नहीं है, दबना नहीं है, उस हौसले को। सभी को नमस्कार और अभिनंदन। इस अवसर पर आने का ये मेरा प्रथम अवसर है, हालांकि बहुत बार बात हो चुकी है। आज भी मैं बताना चाहूँगी कि कल सर का मैसेज आया था और मन में मैंने विचार कर लिया था कि जाना है, लेकिन महिला होने के नाते और अभी निवेदन भी करना चाह रही थी मैं आपके पदाधिकारीगण से कि जो संडे को पेपर रखे गए हैं तो लगातार संडे को भी जाना पड़ रहा था। तो ये ऐसा संडे आया था जिस दिन हम घर पे थे तो इतने दिनों का जो काम इकट्ठा हो रखा था, मैं कपड़े धोने लेके बैठ चुकी थी, आधे कपड़े धो चुकी थी, अचानक से फ़ोन में किसी का कॉल आया तो टाइम पर नज़र गई, नज़र जाते याद आया कि ये तो समय हो गया है, फटाफट उसको वहीं छोड़ा और आई। तो थोड़ा सा लेट भी हो गई थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि जो हम कहते हैं कि एकता में शक्ति है और संगठन है इसीलिए बनते हैं। कोई भी संगठन जो निर्माण किया जाता है वो एकता प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि अभी अंजुमन मैडम ने कहा कि कई बार गलत न होते हुए भी हमें कार्य करने पड़ते हैं, तो जब हमें ये हो एहसास हो कि हमारे पास एक मजबूत शक्ति है हमारे संगठन की, तब हम अपने कर्तव्य का निर्वहन बड़ी ही दृढ़ता से, स्पष्टता से और मजबूती के साथ कर सकते हैं बिना डरे। और यदि कोई गलत कार्य के लिए हमें हम पर दबाव डाल रहा है तो हम उनके उनसे भी स्पष्ट रूप से न कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। ये शक्ति हमें संगठन के द्वारा प्राप्त होती है। कहते हैं ना अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, वो वाली स्थिति है कि हम अकेले चिल्लाते रहेंगे तो हमारी बात सुनी नहीं जाती, दबा दी जाती है। तो जब हमें शक्ति हो और ये शक्ति संगठन की हो तो हमारी बातें सुनी जाती हैं और आगे पहुँचाई भी जाती हैं। तो मैं संगठन का आभार व्यक्त करती हूँ कि प्रथम बार आने पर ही इन्होंने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, इतना सुनहरा मौका दे दिया, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। सुन रहे हैं हम,
लाल साहब पूरी हुई नहीं है, नीलम जी। हाँ, मैं नीलम तिवारी का हमारे कवि भी हैं और हमारे जिले के संयुक्त मंत्री भी हैं, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नीलम मैडम को कि वो आकर के मंच पर अपने विचारों से हमें लाभान्वित करे। आदरणीय नीलम तिवारी मैडम, प्यारे भाइयों और बहनों, साथियों, मुझे इतना ज़्यादा संबोधन वगैरह नहीं करना आता, पिछली बार भी मैंने ये कहा था, और लेकिन पिछली बार आनंद जी ने जिस कारण से मुझे मंच पर बुलाया था एक कविता के लिए, तो उस दिन तो मैंने गीत सुनाया, लेकिन आज मैं वही कविता लेकर आई हूँ जो आनंद जी चाह रहे थे कि मैं यहाँ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। तो हम आमतौर पर जैसे हम बेटी बचाओ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बेटी बचाओ के साथ साथ में थोड़ा सा जो संस्कार है ना, उनके बारे में भी मैं सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने बेटियों के लिए एक संदेश लिखा है, पापा की राजकुमारी। माना तुम पापा की राजकुमारी हो, माना तुम पापा की राजकुमारी हो तो पढ़ो और सीखो इतिहास से वर्तमान तक, हो तो पढ़ो और सीखो इतिहास से वर्तमान तक। राजकुमारियों ने भी नहीं जिया जीवन फकत फूलों सा, राजकुमारियों ने भी नहीं जिया जीवन फकत फूलों सा, उन्होंने भी ढाला खुद को फौलाद में, उन्होंने भी ढाला खुद को फौलाद में, कभी जिया जीवन तपस्विनी की तरह, कभी जिया जीवन तपस्विनी की तरह सीता और द्रौपदी जो, तो कभी लड़े संग्राम दुर्गावती और लक्ष्मीबाई बन, तो कभी लड़े संग्राम दुर्गावती और लक्ष्मीबाई बन, कभी स्वीकार किया जौहर आत्मसम्मान की खातिर, कभी स्वीकार किया जौहर आत्मसम्मान की खातिर, तो कभी फिर बैठी यमराज से ही सत्यवान के जीवन के लिए, तो कभी फिर बैठी यमराज से ही सत्यवान के जीवन के लिए, कभी कल्पना तो कभी सुनीता बन उड़ान भरी अंतरिक्ष तक, कभी कल्पना तो कभी सुनीता बन उड़ान भरी अंतरिक्ष तक, तो कभी मैरी कॉम तो कभी गीता फोगाट बन, तो कभी तनुश्री पारिक बन। स्पेशल मैंने इसीलिए मैंने आनंद जी को कहा था कि मैं बिटिया के लिए मैंने कविता लिखी है तो आप उन तक पहुंचाना, तो उन्होंने पहुंचा दी थी, मैं यही सुनाने वाली थी। तो कभी तनुश्री पारिक बन करती है सीमाओं की चौकसी, इसलिए बेटियों यदि हो तुम पापा की राजकुमारी। मैं वही लाइनें फिर से दोहराती हूँ आनंद जी आपके लिए जो विशेष हैं, कभी कल्पना तो कभी सुनीता बन उड़ान भरी अंतरिक्ष तक, तो कभी मैरी कॉम तो कभी गीता फोगाट बन, तो कभी तनुश्री पारिक बन करती है सीमाओं की चौकसी, इसलिए बेटियों यदि हो तुम पापा की राजकुमारी, इसलिए बेटियों यदि हो तुम पापा की राजकुमारी, तो पढ़ो और सीखो इतिहास से वर्तमान तक। क्या होता है पापा की राजकुमारी होना, क्या होता है पापा की राजकुमारी। साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ, मैंने गोविंद जी के सामने भी व्यक्त की थी, अपन ये करते हैं कि भई हम संगठन में संगठन से जोड़ो, तो एक दिन किसी को लाने से या कहने से आदमी नहीं जुड़ता है, आदमी जब जुड़ता है अपन सब भावनात्मक रूप से उससे मिलें, बातचीत करें, उसका दुख दर्द सुने, ये नहीं केवल मैंने आनंद जी को कह दिया आनंद जी सब कुछ आनंद जी करेंगे, ये नहीं है, और ना ये बात है कोई ऑफिशियली बात है। मान लो कोई किसी का घर का भी कोई दुख हो दर्द हो और उसमें हम हेल्प कर सकें, तो इसके लिए मैंने इनके सामने एक बात रखी कि भई प्रति सप्ताह या कोई एक विशेष दिन अपन निर्धारित करें, जिस दिन सारे लोग चाहे कोई सार्वजनिक स्थल हो या मंदिर हो या पार्क हो, वहाँ पर हमारा मिलना हो और वहाँ पर हम बैठे हैं मिलें, और जिसको भी जोड़ने हैं हम अपने साथ में अनौपचारिक रूप से उसको लेकर के आए, ये तो हो गया औपचारिक रूप से यहाँ लाना, अनौपचारिक रूप से अपने साथ में उसको वहाँ लाएं, सबसे वो मिलेगा तो उससे क्या जुड़ाव होता है, ये बात मेरी आपके सामने। प्रेम जी होटल शनिवार 8 से 9 बजे रात को स्वागत है सभी, ठीक है। नहीं, कोई पार्क या कोई ऐसे कोई मंदिर ऐसी जगह तक वहाँ से पार्क की रतन बिहारी पार्क में मंदिर खुलवा लेंगे अपने भाई साहब, जहाँ भी मतलब क्या मंदिर खुलवा लेंगे रतन बिहारी पास में। दो बार वार्ता हो गई,
हमारे गोपाल जी परीक साहब से दो बार वार्ता हो गई, दोनों बार इन्होंने ये बात रखी, दूसरी बार रखी तो ये थोड़े गंभीर थे, उन्होंने कहा कि हम अनौपचारिक रूप से मिले, माह में एक बार मिले, पखवाड़े में एक बार, जो आप लोग मिलकर के तय करो अनौपचारिक रूप से मिले, कोई पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम, मेरे को अच्छी लगी ये बात, अपन मिल सकते हैं, कोई सार्वजनिक स्थान पर, कलेक्ट्रेट के सामने भी पार्क है, गांधी पार्क भी है, अपने सूरसागर के सामने गोल पार्क भी है, रतन बिहारी पार्क, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिला कार्यकारिणी जहाँ भी तय करेगी, महीने के अंदर एक बार या दो बार अपन मिले अनौपचारिक रूप से, वहाँ बैठ के बातचीत करें। उसमें एक चीज़ मेरी मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो पाक्षिक बैठक तय होगी तो जरूरी नहीं है हम सारे वहाँ आगे, कभी कोई से भी 10 आ गए, कभी कोई से भी 5 आ गए, लगातार उनको ये समझ में आना चाहिए लोगों को कि प्रगतिशील संगठन वाले महीने में एक दिन इस जगह पर बैठते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, हम भी आपस में एक दूसरे को जानते हैं, हम भी एक दूसरे को, बहुत बहुत धन्यवाद है इसका, स्वागत है, बहुत अच्छा है प्रयास। मैं नंदकिशोर जी शर्मा साहब को आमंत्रित करूंगा, निदेशालय में बैठे हैं हमारे हमारे जिला प्रवक्ता भी हैं और बहुत सारे प्रकरण भी, ये मौन रह के कार्य करने वाले नीम के पत्थर हैं, मैं इनको सुनने के लिए हमेशा लालयत रहता हूँ, आए और मंच पर अपने विचार रखें। नंदकिशोर जी भाई साहब, मंच और मैं तो इस संगठन का एक सिपाही हूँ, प्रयास कर रहा हूँ इस संगठन के कार्य में अपना अधिकतम दे सकूँ। संगठन से जुड़े हुए काफ़ी समय हो गया और लगातार यही है अनंत जी भाई साहब की सबसे बड़ी मुझे शिकायत यही है कि मैं संगठन के कार्यक्रमों के अंदर समय पर नहीं पहुँचता। स्वीकार भाई साहब, क्योंकि कुछ जिम्मेवारियाँ ऐसी रहती हैं मेरे ऊपर जिनके कारणों से मैं निकल नहीं पाता हूँ, काटले समय में भी लगभग 7 से 8 तो दौड़ में बच जाते हैं, फील्ड के सलाहकार से संबंधित जितनी समस्याएं आती है कि जिनको जो शिक्षकों की ही समस्याएं हैं तो अपनी समस्या मानते हुए हल करने का प्रयास करते हैं और प्रयास रहेगा कि संगठन के साथियों का एक कॉल पे ही उनकी समस्या का समाधान करने का वैसे प्रयत्न करता रहूँगा और संगठन का सीधी बात है कहते नहीं। में वैसे तो हमारी टीम सप्ताह के अंदर 2 से 3 बार तक जा रही है, हमारा जिला नेतृत्व है और हमारे जिले के प्रभारी प्रदेश के मुख्य महामंत्री यतीश जी वर्मा भाई साहब और आनंद जी भाई साहब, और ये टीम जो है वो सप्ताह में न्यूनतम 2 बार निदेशालय जा रही है और पूरे राजस्थान भर के जो अन्य जिलों के जो संगठन हमारे प्रगतिशील के जिला इकाइयां हैं उनका भी हम सहयोग कर रहे हैं। ये बातें हमने वहां जाकर के जब जिले की बैठ को प्रदेश की बैठकों में जाते हैं जब पता पड़ता है कि कभी आनंद जी यतीश जी भाई साहब को धन्यवाद गंगानगर वाले दे रहे हैं, कभी उदयपुर वाले दे रहे हैं, कभी जोधपुर वाले दे रहे हैं, कभी जयपुर ग्रामीण वाले दे रहे हैं, तब पता पड़ता है कि हमारे बीकानेर जिले के अंदर हम बैठे हैं तो निदेशालय के यहाँ पर होने का और वहाँ पर इन लोगों के प्रति सप्ताह 2 से 3 बार जाने का और वहाँ पर जाने के बाद नंदजी का क्या औचित्य है, नंदकिशोर जी शर्मा साहब का मैं एक बार इनका तालियों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब भी जाते हैं सीट छोड़ देते हैं, हमारे संघ टूट जाते हैं, उस अनुभाग तक जाते हैं, हमारे संगठन के अग्रिम पंक्ति के नेतृत्व का परिचय कराते हैं कि संगठन के प्रदेश महामंत्री जी आए हैं राजस्थान से प्रदेशील के, ये हमारे अनुभाग अधिकारी है, वो मिला खड़ा हो जाता है हाँ साहब, तो उनको बात कहते हैं तब उनके समझ में आती है कि हाँ संगठन के प्रदेश महामंत्री आए हैं, नंदजी उनके साथ काम करते रात दिन, तो वो समझ में, इस प्रकार संगठन हमारा आगे बढ़ रहा है, शिक्षकों के प्रकरणों का निस्तारण हो रहा है, जिले का हो रहा है, दूसरे जिलों का भी भला हो रहा है। बात चल रही है निदेशालय की, विराजमान जी अचार्य जी वर्मा जी अनिल जी भार्गव जी और आनंद जी नारी शक्ति को भी मेरा नमन, बहुत ही ऊर्जावान यहाँ नारी शक्ति विराजमान है जो समय समय पे अपने जो भी क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी अच्छा और सराहनीय कार्य कर रहे हैं और मेरे साथी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ शिक्षक संघ प्रगतिशील एक वार्षिक अधिवेशन में एकत्र हुए हैं क्योंकि एक औपचारिक बैठक होती है जो फर्स्ट पर्यंत चलता रहता है काम, उसका क्या ब्यौरा देना है उसका जानकारी दी जाती है
तो बात करता हूँ मैं सबसे पहले इस संघ की। तो मैं लगभग 2015 से इस संघ से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने जानने की कोशिश की कि संघ कब से है। जैसा हमारे एक मित्र ने पहले बताया कि 52 से ये संघ अस्तित्व में आया और 72 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो वो बात भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और तभी मैं इस संघ से जुड़ा कि ये इतना पुराना संघ है। और ये ऐसा नहीं कि कैडर विशेष है, क्योंकि आजकल कई संघ कैडर विशेष भी बन गए हैं, अलग अलग कैडर के अकॉर्डिंग अलग अलग संघ बनते हैं, वो अपने अपने स्वार्थ को देखते हुए अपने अपने कार्य करते हैं। ठीक है, उनका काम अच्छा है, मैं उनको किसी को क्लेम नहीं करूँगा, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शिक्षक सभी एक हैं, चाहे वो किसी भी कैडर का हो, चाहे वो निदेशालय में बैठा हो, चाहे वो किसी ढाणी के पास कोई विद्यालय है वहाँ पढ़ा रहा हो। तो बात ये है कि हमारी जो भी मांग है, हमारी जो भी आवश्यकताएँ हैं, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, हमारी जो भी नीड है, उन नीड्स की बात को एक साथ एक संगठन के रूप में अगर कोई पहुंचाता है, तो उस सब में सबसे मुझे जो इन 7 सालों में लगा है वो शिक्षक की खुशी है। मैं कई बार इसमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया है, कई बार कुछ डिपार्टमेंट काम ऐसे होते हैं जिस वजह से मैं नहीं आ पाता इसमें, पर तब भी मैं जहाँ पर भी रहता हूँ यहाँ के लोगों का जितना सहयोग बन पड़ता है मैं करता हूँ। और मैंने देखा है कि भार्गव जी हुए, आनंद जी हुए, जब कभी भी इनको कोई भी एक मैसेज आ जाता है किसी भी चीज़ से संबंधित, ये तुरंत हमसे संपर्क कर लेते हैं, मंत्री से करते हैं, मुझसे कर लेते हैं। और उस समस्या को कैसे हम समाधान कर सकते हैं अगर किसी कर्मचारी का व्यक्ति विशेष का काम है, तो उसमें भी ये तत्परता दिखाते हैं। तो व्यक्ति विशेष के कार्य में भी उचित तरीके से पूर्ण करवाना, उसको ये संघ की सबसे बड़ी काम। और वो काम ऐसा नहीं है कि इलीगल है, जो काम लीगल होता है वो भी कार्यालय पद्धति में समय विलंब लगता है उसमें, क्योंकि आप रिटायरमेंट होना चाह रहे हो, आपकी पेंशन नहीं बन रही, आपके दूसरे दस्तावेज नहीं बन रहे, तो जो व्यक्ति रिटायरमेंट होता है उसको कई सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने होते हैं, और उस चीज़ में अगर विलंब होता है तो उसे आगे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो लीगल है जिसमें समय लगता है उसको ये हमसे संपर्क करते हैं या डायरेक्टली भी उस संभाग में जाकर के संपर्क करते हैं, और वो काम त्वरित गति से होता है। तो मैं इनके लिए इनके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो भी संघ के पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी जो लोग हैं इस संघ में, हर समय तत्पर रहते हैं, हर समय एक्टिव रहते हैं। बात की जाए शिक्षण संघ की जो सामूहिक समस्याएं हैं, सामूहिक परेशानियां हैं उनकी, तो उनमें भी हमेशा ये संघ अग्रणी रहा है। चाहे वो NPS की बात कर लो, चाहे वो वरिष्ठता की बात कर लो, DPC की बात कर लो, अलग अलग जो भी शिक्षक संघ, सभी शिक्षकों के कैडर के जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उन सभी को हमने नीचे स्तर से लेकर के मंत्री जी स्तर तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश की और हमेशा कोशिश करते रहेंगे। और मैं फिर धन्यवाद देता हूं कि संघ कभी इधर के लोगों से नहीं होता, जो ये यहाँ पंक्ति बैठी है, संघ इधर वाले लोगों से होता है। अगर आप लोग एनर्जेटिक हैं, आप लोग सक्रिय हैं, आप लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं, आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, तो बात निसंदेह आगे तक जाएगी और तो उसका जो सही तरीके से जो भी समस्या का समाधान होगा वो बिल्कुल। तो आप लोग सक्रिय रहिए, आप लोग अपनी बातों को हमेशा बताते रहिए, आप लोगों के साथ कुछ अगर गलत भी हो रहा है तो उसको भी हमसे अवगत करवाइए, क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, तो समस्याएँ आती हैं और समस्या आनी स्वाभाविक है, लेकिन उस समस्याओं को हमें समाधान करना होगा, और समाधान तभी होगा जब आप हमें बताओगे और एक जो होकर उसका हम सामना करेंगे। एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं अभी आपको बताया सर ने, मैं PSP सेक्शन संभालता हूँ जहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं, 40,000 से ऊपर प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो 60,000 अपनी सरकारी हैं और 40,000 से ऊपर प्राइवेट हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट काम अभी मेरे कार्यकाल में भी ये हुआ है, निदेशालय में हम वो चीज़ खींच के ले आए हैं सेक्रेटरीट से, वो आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो भी स्कूल हुआ करता था प्राइवेट स्कूल, उसको CBSE का NOC जारी होता था, तब वो CBSE की संबद्धता ले पाता था, CBSE एफिलिएशन ले पाता था। अब जो काम सेक्रेटरीट में होता था, मंत्री जी के साइन से होता था, वहीं होता था डिक्लेयर, ACS सर से करते थे या जो भी सेक्रेटरी महोदय है वो करते थे, वो काम अब कल्ला जी के टाइम में हमने यहाँ खींच के लिए आए हैं हम। बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं बताऊँ आपको, क्योंकि बोर्ड भी, समन्वय कक्ष भी यहाँ आ रहा है, हमारा जो राजस्थान बोर्ड है उसका समन्वय कक्ष भी राजस्थान में बीकानेर में आ रहा है, इसके साथ CBSE NOC भी हमारी बीकानेर में आ गई, तो ये हमारे लिए, बीकानेर के लिए बहुत ही अच्छी और गौरव की बात। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है, सभी को अपनी अपनी बात रखनी है, क्योंकि संघ सबकी बात सुनता है तभी वो संघ बनता है, अपनी बात कहने से कोई संघ।
तो आप सभी लोग अपनी बात रखिए, जो भी समस्याएं हैं मैं भी हमेशा अवेलेबल रहूँगा आपके निदेशालय में जब भी आप आए। रूम नंबर 202 है मेरा, आप नंबर भी ले सकते हैं, जो भी समस्या होगी अगर मैं जितना बन पड़े उतना आपका प्रयास करूँगा कि उस समस्या का समाधान। बहुत बढ़िया, इसी के साथ करने का तरीका मैं आपको बताऊं कि जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़ा में हम साथ काम करते थे तो मंच संचालन ब्रजेश जी वैष्णव सर का होता था और एक टक बिना पलक झपकाए मैं इनको सुनता था। 2 घंटे 3 घंटे मंच संचालन होता था, 4 घंटे पूरे कार्यक्रम चलते थे और आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो इनकी बदौलत बोल रहा हूँ। मैं इनका तालियों से स्वागत करता हूँ। मैंने मन संचालन जो सीखा है या जो कुछ भी सीखने का प्रयास मैं कर रहा हूँ वो ब्रजेश जी वैष्णव सर के बदौलत। धन्यवाद इनका बहुत बहुत। मैं हमारे वरिष्ठ जिला कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरु प्रसाद जी से आग्रह करूँगा कि वो आकर के मंच पे संक्षेप में अपनी बात कहें और उसके बाद में मैं हमारे लाडले और यशस्वी जिला अध्यक्ष आनंद जी बारिक साहब को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरु प्रसाद। आदरणीय सम्मानित मंच, मेरे शिक्षक साथियों, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में शिक्षा विभाग में बहुत सारे शिक्षक संगठन बने हुए हैं और इससे ये पता लगता है कि हमारे शिक्षकों में अभी भी एकता नहीं है। हमारा जो संगठन है वो पहले से रजिस्टर्ड है और बाकी जो भी संगठन है वो कागजों में सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि हर शिक्षक संघ है वो अपने अपने सदस्यों का, अपने अपने कार्यकर्ताओं का काम कराने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से हमारा संगठन है वो भी अपने कार्यकर्ताओं का, जितने भी सदस्य हैं, भले वो कोई भी समस्या हो, भले ब्लॉक स्तर की हो या जिला स्तर की हो या निदेशालय स्तर की हो, उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और हमारी जो भी समस्याएं होती है उनमें से 99% तो लीगल होती है, वैध होती है, फिर भी क्या है कि हमें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि वो हो नहीं पाती। और इसीलिए क्या है कि यदि हमें एकता है और हमारे पास टीम है, हमारे संगठन हमारे साथ है, तो हम किसी भी ऑफिस में जा सकते हैं और अपना जो भी लीगल काम है वो आसानी से करा सकते हैं। मैं इस संगठन से सन 2018 से जुड़ा हुआ हूँ और जब से मैं इस संगठन में जुड़ा हूँ तो मेरे सामने किसी भी ऑफिस में किसी प्रकार की कोई भी समस्या सामने नहीं आई है, हर समस्या का एकदम समय पर समाधान हुआ है। और मैं सभी साथियों से ये आग्रह करूँगा कि वो अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ शामिल करें, इससे हमारा संगठन और आगे निरंतर प्रगति करें और इसके साथ ही हम भी आगे बढ़ें। धन्यवाद। हमारे संगठन के कर्मठ कार्यकर्ता और युवा शिक्षा अधिकारी है, वर्तमान में आप राजकीय माध्यमिक विद्यालय बालिका है ना, बालिका उदयराम सर में आप प्रधानाध्यापक हैं और बहुत जल्दी हम इनसे पार्टी लेने वाले हैं, ये वाइस प्रिंसिपल जुलाई में बनेंगे। और साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संतोष जी भार्गव को। मैडम आज आए नहीं हैं, इनकी धर्मपत्नी हैं वीना मानव, उनका कॉलेज व्याख्याता में अभी चयन हुआ है, तो सबसे पहले मैं वीना मैडम का, वो यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन हम सब उनको तहे दिल से तालियों की कटघराहट से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और संतोष जी का मैं हमारे जिलाध्यक्ष आनंद जी पारिक साहब से निवेदन करूंगा कि संतोष जी का स्वागत करें। संतोष जी इधर आ जाओ आप। तृतीय श्रेणी अध्यापिका थी, संघर्ष का जज्बा था, मेहनत बहुत करते हैं और पढ़ने की रणनीति है बहुत शानदार पढ़ाई की। सोशियोलॉजी विषय में दिन रात एक किया, घर का काम अलग किया, लेकिन स्कूल की नौकरी की, उसके बाद में पढ़ाई की और विद्यालय व्याख्याता बनी, संतुष्ट नहीं हुई, फिर पढ़ाई करी और पढ़ाई में झंडे गाड़े और आज ये इनकी उपलब्धि व्यक्तिगत है कि इनका परिश्रम रंग लाया और सोशियोलॉजी विषय में जो बिना मैडम है वो आज कॉलेज व्याख्याता पर चयनित हुई है। बहुत बहुत आपका आभार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत।
इसके बाद में मैं कार्यक्रम को संक्षिप्तीकरण करते हुए प्रथम सत्र का समापन है ये। उसके बाद में जिला कार्यकारिणी का निर्वाचन कार्यक्रम चलेगा। हमारे आज के चुनाव अधिकारी इलियास चुलिया साहब हैं और हमारे यतीश जी वर्मा भाई साहब जो प्रदेश महामंत्री और बीकानेर के जिला प्रभारी हैं। आप प्रदेश पर सभी साथियों, आज शिक्षक संघ प्रगतिशील का महासमिति अधिवेशन है और चुनिंदा व्यक्तियों को बुलाया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक से दो व्यक्ति, बाकी जिला कार्यकारिणी या विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उनको बुलाया जाता है। उस आधार पे इस संख्या जो है वो जितनी बुलाई दी है उसके अनुरूप ही है और अपने शिक्षक सम्मेलन होता है उसमें संख्या ज़्यादा होती है, उसमें पूरा ओपन होता है सारा, उसमें सभी को बुलाते हैं। इसमें जो पदाधिकारी या विशेष आमंत्रित जो सदस्य होते हैं और ब्लॉक के होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। तो आज हमारा ये सातवां प्रदेश जिला महासमिति अधिवेशन है और जब से हमने इसमें कार्य किया है तो हमने संगठन हित की भावना को देख के किया। सबसे पहले के जो जुड़ाव होता है व्यक्ति का, अपना स्वार्थ त्यागना पड़ता है, अपने लिए नहीं समाज के लिए करो। शिक्षक संगठन इसलिए होता है कि शिक्षकों के लिए कार्य करे। कर्मचारी महासंघ में भी काम करते हैं तो कर्मचारियों के लिए काम किया जाता है, खुद के लिए नहीं। सुबह सुबह विजय सिंह जी से मेरी बात हुई थी, मैंने एक बात बताई थी, 26 साल में मैंने कभी किसी सिफारिश नहीं की थी ट्रांसफ़र के लिए, उनको कहा मैंने। तो ये खुद के लिए नहीं होता, दूसरों के लिए ज़रूर किया जाता है, लेकिन कई चीज़ें होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये संगठन होते हैं केवल अपने अपना मुद्दा रखते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। जैसे ब्रजेश जी ने बताई थी, कुछ कैडर के बन गए हैं संगठन, वो केवल उस कैडर की बात करती है, शिक्षक हितों की कोई बात नहीं होती, केवल अपना लाभ कैसे प्राप्त किया जाता है केवल वहीं तक रहता है, वो सेवा नहीं, वो स्वार्थ है। मुझे भी इस प्रकार से कई ने कहा, लेकिन मैंने कहा ये इस प्रकार के संगठन को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, ना उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता हूँ। और वर्तमान के अंतर्गत हमारे इस संगठन के अंतर्गत थर्ड ग्रेड से लेके वहाँ तक जेडी तक जुड़े हुए, ऐसी कोई बात नहीं, निदेशालय हो चाहे डायरेक्टेड हो, जो इस रूप में अपने जिला शिक्षा अधिकारी के लिए हो, बाबू वगैरह भी जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है केवल शिक्षक के लिए, लेकिन वो भी साथ में अटैच होते हैं क्योंकि काम एक दूसरे से पढ़ता ही रहता है। और काम की जहाँ तक बात है, हमने ब्लॉक को ही कहते हैं, आपके ब्लॉक के अंतर्गत जो भी शिक्षकों के कोई काम हो आप उनको हमारे इस रूप में सामने लेके आए, हम उसका प्रयास करेंगे। सबीना जी ने काम दिया लेकिन लंबा प्रोसेस है, वो चल रहा है, आधा काम हो चुका है, लेकिन क्या है कई चीज़ों में बकाया वेतन दो दो साल पुराना निकालना भी एक टेढ़ी खीर होती है ना, कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे होते हैं। तो काम हम पीछा नहीं छोड़ते, काम को पूरा करके रहेंगे। अभी प्रदेश के नेतृत्व से इतने काम आते हैं लेकिन कभी काम का मना नहीं किया जाता, व्यक्तिगत कार्य है उसके लिए भी तैयार है। जैसे गोपाल जी ने कहा था कि व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से जुड़ा हो, बहुत अच्छी बात है, इस रूप में यदि जुड़े हुए रहेंगे तो तुरंत हो जाते हैं। जैसे हमने पूर्व में एक टीम के रूप में काम किया था उस संगठन के अंतर्गत, तो सामाजिक था, उसके अंतर्गत 10 मिनट में फ़ोन करते ही 10 आदमी इकट्ठा हो जाते थे, चाहे हॉस्पिटल का काम हो चाहे थाने का काम हो, वहाँ पर पहुँच जाते थे, मतलब एक बड़ी बात थी। तो गोपाल जी का जो प्रयास है उसी तरफ है, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। और इस संगठन में आके मैंने एक सीखा है कि घर को पहले समय कम देना पड़ता है, घर से उलाना लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि घर पे जब कहेंगे ना आनंद जी अच्छे आदमी है तो कभी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा, वहाँ से नेगेटिविटी मिलेगी, वो कहेंगे केवल बाहर के लिए है घर के लिए नहीं। तो जो भी साथी काम करे थोड़ा सा उसमें समय आप उसमें ज़रूर निकालेंगे, घर और परिवार और अपना संगठन तीनों का काम हो जाए। यहाँ ज़्यादा काम करने के लिए वैसे कुछ नहीं है और ऐसे करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए आपसे जितना हो सकता है मिल बांट के कीजिए। अब हमारे यहाँ काम है, कई तरह के काम है, हम अलग अलग है कि कौन सा काम डी ऑफिस वाला कौन कर रहा है और डायरेक्टेड वाला कौन कर रहा है और दूसरे अलावा जेडी का कौन कर रहा है, किस संदर्भ में किससे बात करनी है, कोई ट्रेनिंग हो इस संदर्भ में क्या करेगा, मतलब जो भी है सारा अलग अलग काम बांट रखा है। और उस बांटने से क्या है कि आसानी से हो जाता है काम।
इसलिए काम को महत्व देते हैं और यहाँ हम पैसे को भी महत्व नहीं देते। कई बार कोई कहते हैं कि हम तो आपके संगठन से बाद में जुड़ेंगे, रसीद बाद में कटाएंगे, आप हमारे काम कीजिए। कई कहते हैं हमारा ये कीजिए वो कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे का नहीं है। आज गवर्नमेंट लाख लाख रुपये सबको दे दी है, क्या जरूरत है, पैसे का नहीं है। हमारे संगठन मंत्री लोकेश जी पोखर ये बैठे यार, पैसा कुछ नहीं है, आदमी जोड़ो। ये संगठन मंत्री जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन हमारा मुख्य है कि जो व्यक्ति जुड़े वो तन मन धन से जुड़े, उससे क्या है संगठन मजबूत होता है। तन मन धन तीनों चीज़ होती है ना, तो संगठन मजबूत, किसी के आगे हाथ पे लड़ने की जरूरत नहीं रहती। तो संगठन में रह के मैंने ऐसे ऐसे साथियों से जिनको भी कभी कहा है किसी ने मेरे को उत्तर नहीं दिया है किसी काम के लिए, और यदि इस रूप में आज जो टीम है अच्छी रूप में काम करते तो हम एक बड़ा प्रदेश का भी कार्यक्रम यहाँ पर रख सकते हैं। तो प्रदेश का कार्यक्रम कोई भी अपन करते हैं, अधिवेशन करते हैं, कम से कम 10-12 लाख रुपए चाहिए। तो पहले अपनी पोटली बनानी पड़ेगी इसकी कि आप क्या कर सकते हो। पहले व्यक्तिगत रूप से तन मन धन से आप जुड़ा हो, हमारा यही प्रेरणा है कि आप इस रूप में आगे आएँ। हम आपके सहयोग के लिए हर समय तैयार रहेंगे, प्रदेश के पदाधिकारी भी हमारे साथ में हैं, इसलिए करते रहेंगे। जो जज्बा हमारे के अंतर्गत है, हमने अपने पूर्ण रूप से 100% देने का पिछले सालों 6 सालों में प्रयास किया। फिर भी हो सकता है किसी का काम किसी कारण से रह गया हो, तो हम उसको पूर्ण करने का आपको वचन देते हैं कि पीछे नहीं हटेंगे, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, हम निभाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। इस स्रोत हमारे लाडले यशस्वी जिलाध्यक्ष आनंद जी पर भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जिले में पिछले 7 वर्षों से जिस शैली से इन्होंने काम किया है, मैं इनके काम का और व्यवहार का मुरीद हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के इस कार्यक्रम के चुनाव अधिकारी और हमारे प्रदेश के सलाहकार इलियास चिंचोलिया साहब से आग्रह करूँगा कि वो अपने अनुभवों को बांटते हुए संक्षेप में हमारा मार्गदर्शन करें, हमें उद्बोधन दें। चुनाव अधिकारी और हमारे सबसे युवा साथी इलियास जी भाई साहब, मंच पर बैठे हुए सभी हमारे आदरणीय साथी सामने आप और हम सब मिशन आए समय दिए, इसके लिए आप सबका स्वागत अभिनंदन। जिला अध्यक्ष आनंद जी कुमार हरिक साहब, बहादुर साहब, जिला मंत्री जी, आपने आयोजन किया और कर रहे हैं। हमारे बहुत से साथियों ने अपने विचार प्रकट किए, उनमें जिला मंत्री जी बहादुर साहब ने अपने प्रतिवेदन में संपूर्ण रूप से आपको अपने संगठन की गतिविधियों के बारे में अवगत करवा दिया। बहुत से साथी यहाँ आए और उन्होंने अपने विचारों से संगठन की गतिविधियाँ और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया। बहुत से शिक्षा अधिकारी पदों पर होते हुए भी उन्होंने हमारा हौसला अफजाई किया और आगे भी कार्य के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार का कार्य उसके लिए आश्वासन दिया। साथियों, इस मौके पर आज जिला महासमिति का अधिवेशन व निर्वाचन होने जा रहा है। हमारे साथियों ने बताया कि सन 1952 और 54 के अंदर इस संगठन का रजिस्ट्रेशन होकर और ये संगठन अस्तित्व में आया था। इसके बारे में मैं एक मिनट में आपको पूरी बात बताता हूँ। 1952 के अंदर बीकानेर के अंदर ही नागरिक भंडार के अंदर शिक्षकों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। हालांकि आप और हम सबका किसी का जन्म नहीं हुआ था,
जैसा मुझे अपने वरिष्ठ साथियों बगलटा जी ने, गिरधर लाल व्यास जी ने, उन साथियों ने उन सब के नाम बताए थे। 73 और 75 के अंदर, सन 1973 और 75 में मैं और मेरे साथी यहाँ बैठे आपके जिला कोषाध्यक्ष महोदय अनिल जी वर्मा साहब, उन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी और 77 में हमने उस संगठन में भाग लिया। एकमात्र शिक्षक जिसका नाम था राजस्थान शिक्षक संघ, उसी प्रकार का कोई उसका नाम नहीं, एक ही शिक्षक हमने पूरे राजस्थान के अंदर, उसमें पहली बार हम तहसील स्तर पर, मैं स्वयं प्रारंभिक एक शिक्षा प्रतिनिधि पंचायत समिति का, उससे मैंने एक पद ग्रहण किया था और अंतिम पद भी हमारे संगठनों के द्वारा बहुत दबाव में प्रदेश सभाध्यक्ष का पद रहते हुए, उसके बाद में सेवानिवृत्ति के बाद में हम सलाहकार के रूप में आज आपके साथ हैं। साथ ही वैष्णव साहब ने, अधिकारी महोदय ने बताया कि किसी प्रकार से कैडर वाली बात बताई, तो हमारे संगठन से ऐसा कोई अछूता संगठन नहीं रहा जो इस संगठन में नहीं था, चाहे वो किसी भी नाम से आज अस्तित्व में, उनके सारे जो पदाधिकारी थे वो मेरे से वाकिफ हैं, मैं उनसे परिचित हूँ और यहीं से मतलब हमारे इसी संगठन से उन्होंने अपने कार्य किया और अपने 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 संगठनों के अंदर उन्होंने आज भी कार्य किया। महासंघों के अंदर भी ऐसा कोई महासंघ नहीं है जो इस शिक्षक संघ प्रगतिशील की तरफ से तो जुड़ा हुआ नहीं हो, जो संघर्ष में काम नहीं किया हो। कहने का तात्पर्य यही है कि राजस्थान शिक्षक संघ जो प्रगतिशील नाम है, इस प्रगतिशील के नाम से ही हम जुड़े हुए हैं और आज तक जुड़े हुए हैं। आपने याद किया, आज हम आए आप, मैं इसके लिए मैं आप सब उपस्थित साथियों का धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव अधिकारी होने के नाम से मैं और सबको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, धन्यवाद। आज भी हाजिर होता है इसलिए मैं इनको सबसे युवा साथी कह के पुकारता हूँ। आज के हमारे प्रांतीय पर्यवेक्षक और हमारे जिले के प्रभारी अधिकारी प्रदेश महामंत्री नीतीश जी वर्मा साहब को आमंत्रित करता हूँ, वो आज हमारे चुनाव के प्रांतीय पर्यवेक्षक के रूप में भी यहाँ हैं, वो अपनी बात रखें और हम सबका मार्गदर्शन करें। यतीश जी साहब, लिहाज जी जो साहब, सुभाष जी आचार्य, वैष्णव साहब, कोषाध्यक्ष अनिल जी, जिलाध्यक्ष आनंद जी, जिला मंत्री पूर्व भार्गव साहब, उपस्थित मातृशक्ति और विभिन्न तहसीलों साहेब संगठन के पदाधिकारी, जिला महासमिति का अधिवेशन अवकाश के दिन ही रखना पड़ता है क्योंकि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए इसको जिला महासमिति अवकाश के दिन ही रखनी पड़ती है। इसी तरह से प्रदेश महासमिति का जो चुनाव होता है वो भी अवकाश के दिनों में रखा जाता है, वो भी पहले नहीं हो सकता। ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है। अमूमन शिक्षक संगठनों ने क्या है कि 2 वर्षीय कार्यकारिणी का गठन कर लिया सभी ने, तो राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील भी इस वर्ष से 2 साल के लिए अपनी कार्यकारिणी का गठन करेगा। इसी तरह से बीकानेर जिले में भी समस्त ब्लॉकों का लगभग निर्वाचन हो चुका, ब्लॉकों के निर्वाचन के बाद में ही जिला निर्वाचन की प्रक्रिया होती है जो कि आज बीकानेर जिले में भी संपन्न हो जाएगी। संगठन का उद्देश्य कर्मचारियों शिक्षकों के हित के लिए होता है और वो संगठन बने इसीलिए जाते हैं। आज जो कुछ भी अपने को मिल रहा है या सरकार से जो भी मिल रहा है वो सभी संगठनों की देन है। निश्चित रूप से जैसे लिया जी भाई साहब ने बताया, कोई टाइम में शिक्षक संघ एक ही हुआ करता था,
तो एक होता था तो उस टाइम में कर्मचारियों की आवाज़ जल्दी सुन ली जाती थी। अब चूंकि वो भिन्न भिन्न संगठनों में बट चुके हैं या सरकारी विचारधाराओं के आधार से बढ़ चुके हैं, जैसे भाई साहब ने वैष्णव जी ने बताया कि कैडर बेस का एक संगठन अभी कुछ समय से ही अस्तित्व में आया है। वो अब वो निश्चित रूप से हो सकता है कि कोई सरकार है उसकी हो, बाकी उसका कितने दिन अस्तित्व चलेगा। भाई साहब को मैं बता देना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़ा कैडर बेस संगठन है, तो हम जब भी अभी गाँव में सदस्य बनाने गए थे तो उन संगठन की खिलाफत ही लोग कर रहे थे कि वो तो वहाँ बैठे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं आपके साथ चलता हूँ, आप चलिए, मुझसे कहिए मैं भी कहूँगा कि ये आपके संगठन के हैं और ये आप बात ऐसी कर रहे हैं कि भाई आप उसका फायदा ले रहे हो, मैं भी संगठन का पदाधिकारी हूँ। जैसे आनंद जी ने कहा घर पर सुननी पड़ती है, निश्चित रूप से मेरे को भी सुननी पड़ती है। मेरी विशेष भी लेक्चर आ रहे बीकानेर पोस्टेड नहीं होगी बाहर है, तो मेरे को भी घर पर सुनना पड़ता है। तो निश्चित रूप से जो संगठन में काम करेगा उसको घर का तो 50% परित्याग करना ही पड़ेगा। और यहाँ ये और बताऊँ मैं आपको कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अंदर राजस्थान में लगभग 19 जिलों के अंदर जिला अध्यक्ष जो है वो शिक्षक संघ प्रतिनिधि सीट के हैं। इलियास जी भाई साहब भी काफ़ी समय तक बीकानेर जिले में महासंघ के जिला मंत्री के पद पर रहे हैं और महासंघ के साथ साथ में शिक्षक संघ का दायित्व भी इन्होंने संभाला है। दो दायित्व होने से उनकी जवाबदारी भी एक कर्मचारी की ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि महासंघ के कार्यक्रमों में भी जाना पड़ता है और शिक्षक संघ के खुद के कार्यक्रमों में तो आना पड़ेगा। महासंघ का कार्यक्रम भी उसी दिन हो और शिक्षक संघ का कार्यक्रम भी उसी दिन हो तो इनको दो जगह उस व्यक्ति को शिरकत करनी पड़ती है। तो जितना भी अपने को दिलाया गया अभी MPS जो हटा है वो कर्मचारियों की सबकी एकजुटता का ही परिणाम है। निश्चित रूप से वो सब सरकार के पास में ये बिल्डिंग थी, पहले तो कोई टाइम में कि ज्ञापन देने हम जाते थे तो निश्चित रूप से मेरे को कलेक्टर का नाम याद नहीं है, कलेक्टर साहब को हम जब ज्ञापन देने गए तो लगभग 5-7 पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा भी गवर्नमेंट लेवल पर आपकी बिल्डिंग सही नहीं है। लखनऊ साहब कैसे नहीं है, वो क्या मैं भी NPS का हूँ, कलेक्टर साहब भी NPS के, वो कह मैं गवर्नमेंट के पास में ये फिटिंग है कि जो ज्ञापन देने आ रहे हैं उनको तो पेंशन मिल रही है, जो जिनको पेंशन चाहिए वो घर में सुते हैं वो नहीं आ रहे। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे उन तक ये बात पहुंची, फिर आंदोलन बड़ा हुआ, ऐसे ही करके यूपी के अंदर उन्होंने क्या है कि पहले ही घोषणा कर दी थी वैसे अखिलेश यादव ने कि मैं आया तो ऐसा करूँगा। उसके हिसाब से हो सकता है सरकार उसके भी दबाव में नहीं हो, लेकिन अपने कर्मचारियों के तो निश्चित रूप से वो दबाव में आ गई थी। सरकार को राजस्थान का एक इतिहास रखा, मैंने पहले भी दो चार बार बताया आपको, राजस्थान में लगभग ऐसा इतिहास रहा है कि जब जब भी सरकार बदली है उसमें कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम भी यहाँ क्या है कि पूर्व में सरकार जाने वाली चीज होती थी, उसके अलावा क्या है कि हमारे एक पदाधिकारी थे प्रांतीय, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए टिकट की मांग करनी है, हम वहाँ गए थे उनसे टिकट की मांग करने, तो उन्होंने सर्किट हाउस में मैं था, विद्या जी थे, सुभाष जी थे, तो उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा भी आप लोगों की क्या विचारधारा है, आप लोग चुनाव जिताओगे कि नहीं। देखिए हमारे को तो चुनाव कर्मचारी जिताते हैं राजस्थान में और कर्मचारी हराते हैं, तो उस टाइम में हमने ये कहा था कि निश्चित रूप से सरकार आपकी बनेगी, आप हमारे साथी को टिकट दीजिए, तो उन्होंने उसके बाद में उनको टिकट भी दी थी और वो MLA बने थे केकड़ी से, और वर्तमान उसके बाद में वो केंद्रीय भेड़ एवं विभाग के चेयरमैन भी रहे थे केसरलाल जी चौधरी, जो कि महासंघ के भी प्रदेश अध्यक्ष थे और शिक्षक संघ प्रवृत्ति सिंह के भी प्रदेश अध्यक्ष थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि संगठन से अपने इस जगह जुड़ते रहेंगे तो कोई भी समस्या होगी तो निश्चित रूप से संगठन उसके समाधान करेगा। मैं अमूमन निदेशालय मुझको जाना पड़ता है, कहाँ से कभी कहाँ से राजस्थान से निश्चित रूप से फोन आए हुए रहते हैं, तो कोई CT है या किसी का कोई चयन वो स्थायीकरण का है, किसी को कोई वो जैसे लीगल में प्रकरण है, तो काफ़ी लंबे वैसा बता रहे थे, तो प्रक्रियाएँ ऐसी होती है कई बार क्या है कि कोई किसी टेबल पर या किसी कारणवश काम रुक जाता है, वैसे तो जितना ही काम होता है वो हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन कुछ प्रक्रिया भी होती है और उसके अलावा भी जैसे हम जाकर के खड़े
ये काम ठीक ठीक चल रहा है, दो दिन पहले बाद में काम होने वाला, दो दिन पहले काम हो जाता है। तो संगठन निश्चित रूप से आपके साथ में है, आपको कभी भी आवश्यकता हो जिले पर निदेशालय पर हमारे साथी हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो, अदरवाइज हमें भी आप बताइए, आनंद जी को बताइए, मैं इनके साथ जाके आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जगदीश जी, इलिया सिंह चौधरी साहब, नीर जी, कृष्ण साहब, मंजू मैम जी, भार्गव साहब और मेरे सामने विराजमान प्रगति सिंह की ताकत, राजस्थान शिक्षक प्रगतिशील सदैव शिक्षक हितों में तत्पर रहा है और इस संगठन में जो एक बार आ गया है शायद संगठन को छोड़ कर नहीं जाए। अभी कुछ देर पहले मेरे एक साथी गोपाल जी पारी कह रहे थे कि संगठन में एक बार पकड़ के किसी को एक बार पकड़ के लाने से पार्टी पड़ेगी, बार बार सप्ताह या महीने पर से एक बार मिलते रहो। तो गोपाल जी की बात चले गए, मैं गोपाल जी की बात पर कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक बार पकड़ के लाया था अपने घरवाले को और वो आज से घर बैठी, मैंने उसको कई बार का चला जाता, वो घर वो कहते तुम चले जाओ, वो तो घर की मार बन गई। और गोपाल जी कहते एक बार लाने के बाद उससे काम नहीं पाते, उसको ये मान लो एक बार लाया तो मेरे खुद के घर की मार बन, तो कहने का तात्पर्य प्रगतिशील संगठन एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी ताकत है और एक ऐसी जाजम है और इसकी कार्यशैली, इसकी पद्धति बिल्कुल अलग तरीके की। मेरा व्यक्तिगत सोच, मैं सिर्फ सिद्धांत और आदर्शों पर नहीं चलता, मैं संगठन में रहकर मैं सोचूं मैं सिर्फ सिद्धांतों पर चलूं, आदर्शों पर चलूं और न्याय के लिए बात ही करूं, ऐसा मेरा सिद्धांत नहीं है। सिद्धांतों पर चलना मेरा सिद्धांत नहीं है। आप कहोगे ये क्या क्या बात है, मेरा लंबा जीवन अनुभव है, मेरे संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसको तकलीफ आ गई और उससे जाने अनजाने कोई भूल हो गई और उसकी गलती हो गई और उसकी गलती पर मैं कह दूं ये तो गलती तेरी है। एक मेरा साथी एक दिन एक घंटा स्कूल पहले बंद करके ताला लगा के चला गया और उसका जाना हुआ पीछे से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का निरीक्षण कर उस बूट से निकलना और स्कूल के ताला लगा और उसने दूसरे दिन स्कूल को नोटिस भेजा और नोटिस लेकर मेरे पास आया वो प्रगतिशील का साथी कि ये नोटिस दिया है स्कूल के ताला था। मैंने कहा सही से बता कि बिल्कुल ताला था, कोई बात नहीं। मैंने कहा बिल्कुल चिंता छोड़ दे, उसके बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हो गया, परेशान हो गया। मैंने कहा यूँ समझ के मैं हूँ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, वो कार्रवाई निरस्त हो गई ये समझ के भाई साहब ये नोटिस और कागज है, मैं इस कागज को भूल जा इसको फाड़ दो, तेरे सामने फाड़ दो, उसकी फोटो को भी ला दो फाड़। मैं गया ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पास, मैंने कल उस गांव में गए थे क्या, मैंने कहा आपने नोटिस दे दिया क्या, गंदा हो गया था पड़ोस में पानी की दिक्कत थी, किसी ने पानी नहीं दिया, मोहल्ले वालों को स्कूल की छुट्टी करो, बच्चों को प्यास से मारोगे क्या, छुट्टी करो। तो ब्लॉक अधिकारी का अच्छा ये बात है कि मैं ये तो ठीक है उस कागज को रद्द कर। इसी तरह एक बार एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्कूल में गए तो पोषण की बड़ी भारी समस्या झंझट है, तो पोषण द्वारा और खिला रहे वो अध्यापक संस्था प्रधान और स्टाफ पढ़े देखो लेखे जो कहना कितना गहूँ दिया कितने चावल दिया कितना बच्चा कितना गड्ढा कितना फटा वो लिखा होने का, वो पाँच सात दिन के खाली पड़े थे, उसे नोटिस दे दिया 17 CC का क्या था। मैं उस कागज को लेकर गया ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास, मैंने कहा साहब उसको नोटिस दिया, मैंने कहा किस बात का नोटिस दिया कि उसके लेखे जो के पूरे दे दे। मैंने कहा वहाँ पर आपने पूछा बच्चों को पोषण खिला नहीं खिलाते कि खिलाते, तो मैंने कहा खिलाने का काम है लेखा जो तो होता रहेगा, बेटा स्कूल में स्टाफ कम है जब समय मिलेगा वो कर लेंगे। बच्चों ने अभिभावकों ने पड़ोस से शिकायत की क्या स्कूल के बच्चों को पोषण नहीं खिलाया जाता है, कैसी तुमको शिकायत थी, तो फिर मैंने किस बात का नोटिस दिया, नोटिस को मैं कह दूँ वापस लो नोटिस को, आप काट कर बात करते हैं नोटिस वापस। एक बार एक अधिकारी आया चेकिंग करने के लिए, कहा स्कूल तो इस तरह कमजोर है, कमजोर है तो मैं क्या करूँ कमजोर है,
और कमजोर है, मेरा टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कभी कटाई में जा रहा है खेत की, कभी बकरी चराने जा रहा है, कभी भैंस ब्याह की वहां जा रहा है, कभी ऊंट को चराने जा रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी घर में ब्याह है, कभी मरना हो गया वहां चला गया, ब्याह चला गया। तो बच्चे को लगातार 30 के 30 दिन बांधने का टीचर का काम है क्या? मेरा टीचर 30 दिन आ रहा है, मेरा टीचर 30 दिन पढ़ा रहा है, बच्चा 30 दिन 12 दिन 10 दिन आ रहा है, बच्चे की पढ़ाई कमजोर उसका। तो इस तरह से बच्चा जो पढ़ रहा है हमारे टीचर में पढ़ाने में कमी रह गई उसको हम समझा दें, लेकिन अधिकारी के बीच में हमारे शिक्षक को, हमारे साथी को, प्रगतिशील के सिपाही को कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगे। मेरा प्रगतिशील का सिपाही यदि कहीं कोई गलती भी कर लेता है उससे पूछ लेते हैं, लेकिन अधिकारी के सामने उसकी गलती को बिल्कुल नकार देते हैं और उसको अधिकारी को नकारा साबित करते हैं, तब तो संगठन का मजा है। और संगठन के पे नहीं थे, तेरे स्कूल का ताला था, तो फिर इसके लिए हम क्या करें? क्या करें? संगठन किस लिए है? क्या करें? घर काम हो गए, लोगे मेरे साथ ही हो गया। आज हमारा घर का बच्चा कि लड़ाई झगड़े किसी का सर फोड़े हुए तो वो मुकद मौजूद है क्या? हम कह के उसको ले जाओ पकड़ के, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? उसको बताएंगे नहीं क्या? वकील खड़ा नहीं करेंगे क्या? थाने नहीं जाएंगे क्या? और उसके राजनीतिक सिपाही नहीं डलाएंगे क्या? क्योंकि हमारा बच्चा है, उसको कैसे बचाया जाए इसका हम हर तरीके से उपचार करते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस सिद्धांत पर राजस्थान शिक्षण प्रगति सिंह अपने प्रत्येक सिपाही को चाहे कहीं पर किसी भी प्रकार की गलती करते उसको बचाना, उसको सुरक्षित निकालना और उसके हक हकूक के लिए बात करना राजस्थान शिक्षण प्रगति सिंह का पहला सिद्धांत। हम सिद्धांत हमारा सिद्धांत स्पष्ट है कि हमारा साथी स्वाभिमान और गौरव से रहे। गलती तो इंसान से होती है, उसे अगर पोषण खाता है इसका मतलब वो मेरा साथी बेईमान थोड़ी है, खराब का है। अरे विश्राम की कमी थी, भूल गया क्या? इसमें बेईमान कहां हुआ, खराब कहां हुआ, चोर कहां हुआ? वो बराबर खिला रहा है पोषण, बराबर पका रहा है और अफसर आके उसे लिख देता है। हमारा हमारा सिपाही, हमारा साथी घबरा रहा, डर रहा है किस बात का? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, किसी से नहीं डरना। गलती हो गई तो होगी, अरे गलती हो गई तो होगी, कोई डरना नहीं किसी किसी गलती से। अच्छा कितने बड़े अधिकारी हो, अधिकारी डोर लगकर का तो बना होती है, हमें डोर लगकर के वो अधिकारी है कि नहीं, लेकिन हम डोर लगकर के हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं सबसे पहले तो जो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, 49 डिग्री के तापमान में आप यहाँ आए, आपको किस किन शब्दों में धन्यवाद दूं, किन शब्दों में आपकी प्रशंसा करूं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि 49 डिग्री में शायद आपको अपने बच्चों से भी दो बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अपन दिन भर बच्चों को कहते रहते हैं और धूप में बाहर मत जाना रे, धूप में बाहर मत जाना, और आज अपन बुद्धि निकल के बच्चे के लिए मम्मी पापा आज काम है तुम्हारी बुद्ध, लेकिन आप भी सच्चे भारत हैं प्रगतिशील के, इसलिए यहाँ आए। तो मैं इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस, बर्मा से हिंदुस्तान देश आजादी में निकला था, सिर्फ दो ही लोग थे। हमारे पास तो राजस्थान में 50,000 की संख्या है, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की पूरे राज्य के 33 जिलों में 50,000 की जनसंख्या है, हमारी सदस्यता 50,000 की, हमें कहीं किसी से डरने की जरूरत नहीं। अभी हम विषम परिस्थितियों में आए हैं और हमने भागवत साहब और आनंद जी को मैंने कह दिया था साहब, इनका भाई साहब निवेदन है कम से कम लोगों को सूचित करना और अति आवश्यक बुलाना है, लोगों को बुलाना है, उसके अलावा बुलाना नहीं है, भीषण गर्मी पड़ती है। तो उनका ठीक है भाई साहब, जो आवश्यक होगा हमारे पास संख्या बल की कोई कमी नहीं, कभी आवश्यकता होगी जरूर पड़ेगी, मौका होगा संख्या बल की बताया जाएगा और कोई डर नहीं, डरने की बात नहीं। अधिकारी माध्यमिक शिक्षा देर कहो जो प्रारंभिक हो, कौन आए कौन जाए परवाह मत करना कभी भी, और संगठन के लिए सदैव आगे बढ़ते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस प्रगतिशील में आप लोग जान डालेंगे तो हमारी जान बढ़ेगी और हम
लगातार आप के मनोबल आपके उत्साह से हम लोग सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। भार्गव साहब जैसे और अनिल जी यतीश जी जैसे और आनंद जी जैसे हमारे साथी मिले हुए हैं, दिन रात लगे रहते हैं बिना वेतन के, न तो संविदा पर है और न तनख्वाह पर है, बिना वेतन के प्रतिदिन कोई कोई बात बोलेगा मांग करते रहते आज ये है वो है ये प्रगति जी कौन कौन इनको तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन ये नशेड़ी है, इनको प्रगतिशील का नशा लग गया और ये नशा को प्रतिदिन एक दूसरे को मांग करते रहते दस बारह लोगों को आपस में ढेरी करते, तो इसलिए प्रगतिशील एकदम मजबूत संगठन है और आप लोग धैर्य से इसके साथ जुड़े रहे और आप लोग ही इधर उधर से लोगों को लाएंगे जोड़ लेंगे और जोड़ेंगे इन सबों के साथ, पुनः आप सब लोगों का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपकी सुविधा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष आचार्य भाई साहब का, इन्होंने अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन किया। मैं आज के इस महासमिति अधिवेशन के प्रथम सत्र के संपन्न होने की घोषणा करता हूं और आज के चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक दोनों से विनम्र आग्रह करता हूं, प्रांतीय पर्यवेक्षक यतीश भाई साहब और आज के चुनाव अधिकारी इलिया चुचुलिया साहब से आग्रह करता हूं कि वो आज के इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण में द्वितीय सत्र में जिला कार्यकारिणी की घोषणा करें और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इलिया चुचुलिया साहब और यतीश वर्मा साहब पर आकर जब साथियों ने अपने विचार प्रकट किए, हमारे बीकानेर जिले की विभिन्न तहसीलों के अध्यक्ष, कई तहसीलों के मंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदि साथियों ने यहाँ पर अपने विचार प्रकट किए, उनसे उन विचारों को लेकर कई साथियों से सलाह भी ली गई है, सभी ने मतलब ये विचार प्रकट किया है कि ये जो सत्र है 22 का, इसमें निर्विरोध रूप से सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष श्री आनंद जी भाई साहब, गृहमंत्री भार्गव साहब, विधिवत रूप से निर्वाचन करने के लिए आपने आग्रह किया, सभी इसके लिए हाथ खड़े करके कृपया प्रस्ताव पास है और बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर भी जिला अध्यक्ष महोदय और जो भी उपयुक्त समझे वो जो नवनिर्वाचित जिला कार्यकारिणी घोषित हुई है उसके बारे में वीडियो घोषणा करें। चुनाव अधिकारी आप पूरे कार्यक्रम में आप पूरे कार्यक्रम धन्यवाद बहुत बहुत नाम बहुत बहुत अध्यक्ष श्री सुभाष जी आचार्य साहब से अपने स्थान से पूछा उठकर उपसभाध्यक्ष जिला अध्यक्ष आनंद जी मारिक साहब से आप परिचित हैं, एक बार धन्यवाद इस प्रकार से जिला मंत्री जी भार्गव साहब, कोषाध्यक्ष आदरणीय अनिल जी वर्मा साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरु प्रसाद जी भार्गव साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती और श्री रामचंद्र चौधरी साहब,
प्रचार मंत्री हरीश कुमार वाधवानी वाधवानी साहब बहुत बहुत बधाई। जिला प्रवक्ता नंद किशोर जी शर्मा साहब माध्यमिक शिक्षा प्रतिनिधि साहब और संस्कृत शिक्षा प्रतिनिधि है नरेंद्र अग्रवाल, प्रारंभिक शिक्षा प्रतिनिधि है मनीष राम खिचड़, इसके अलावा भी जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री आपस में विचार विमर्श करके वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष को सहमति देते हुए इस कार्यकारिणी का आगे विस्तार आवश्यकता अनुसार करेंगे। धन्यवाद। एक बार सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए जोरदार तालियों से बहन अंजू महारा ने एक छोटा सा प्रश्न किया था, उसको मैं बोल नहीं सकता क्योंकि राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का नाम सुन था, तो आप सब विद्वान हैं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रगतिशील का क्या अर्थ है? किसी प्रकार की कोई श्रेणी या कोई विवाद शब्द शिक्षा मंत्री था, कभी समान विचारधारा के विधायक था, शिक्षा मंत्री था, शिक्षा मंत्री। एक बार पुनः सभी को बधाई। पदाधिकारी एक बार सभी फोटो करेंगे सुबह पदाधिकारी सिंगल वोट ले लेना सबका, ठीक है ना? संघ प्रगतिशील का प्रदेश जिला महासभा समिति अधिवेशन यहाँ आज रेलवे स्कूल के अंतर्गत किया गया, जिसके अंतर्गत कार्यकारिणी के अंतर्गत दोबारा हमारे को मौका मिला है। पूर्व में 6 साल हमने जिलाध्यक्ष के पद पे काम किया, काफ़ी बार द्विवार्षिक रूप से चुनाव हुए जिस पे मुझे जिलाध्यक्ष का उत्तरदायित्व दिया गया। निश्चित रूप से हम जो इस प्रगतिशील के अंतर्गत शिक्षकों की ज्वलंत समस्या है उस पर बराबर काम करते आ रहे हैं, और भविष्य में भी इस प्रकार से हम इसे मिल के एक ऐसा काम करेंगे जिससे शिक्षकों के किसी प्रकार की समस्या का समाधान हम आसानी से कर सकें। आनंद पारिक जिलाध्यक्ष शिक्षक संघ प्रगतिशील। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला बीकानेर इकाई का द्विवार्षिक कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी का आज पुनर्गठन निर्वाचन का कार्यक्रम प्रातः 10 बजे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेलवेल बीकानेर में आयोजित किया गया, जिसके प्रथम सत्र में शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं पर प्रदेश जिला और तहसील स्तर के समस्त पदाधिकारियों द्वारा मंथन किया गया और विचार व्यक्त किए गए, और उन समस्याओं को संयुक्त रूप से मिलकर के और जिले के और उपखंड के और निदेशालय के अधिकारियों से वार्ता करके संघर्ष करके और शिक्षकों की समस्याओं को हल कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। दूसरे चरण में जिला कार्यकारिणी के निर्वाचन का कार्यक्रम रहा, जिसमें हमारे चुनाव अधिकारी इलियास जी जोया रहे, जो प्रदेश के सलाहकार हैं, और आज के इस कार्यक्रम के प्रांतीय पर्यवेक्षक यतीश जी वर्मा साहब, जो कि प्रदेश के हमारे वरिष्ठ प्रदेश के महामंत्री हैं, वो हमारे आज प्रांतीय पर्यवेक्षक रहे, और दूसरे चरण के अंत में तहसील के पदाधिकारियों से और उपस्थित सभी साथियों से राय सलाह मशविरा करके और आज की कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से पुनर्गठन किया गया, जिसमें हमारे बीकानेर के सुभाष जी आचार्य सभाध्यक्ष आयोजित सभाध्यक्ष घोषित हुए, आनंद जी पारिक साहब जिलाध्यक्ष, और मैं गोविंद भार्गव जिले का
मंत्री जिला मंत्री के रूप में दायित्व आज सदन ने हमें सौंपा है। शिक्षकों की इन समस्त प्रकार की ज्वलंत समस्याओं को लेकर और खास करके तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर हम ग्रीष्मकालीन अवकाश में संघर्ष की रणनीति बनाएंगे और तहसील से लेकर के और प्रदेश जो यहाँ पर कार्यालय है, चाहे वो जेडी कार्यालय है, चाहे डीडी कार्यालय है, चाहे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, चाहे प्रारंभिक निदेशालय है या माध्यमिक निदेशालय है, सभी स्तर पर हम हमारे उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे और जोर तोड़ने पर संघर्ष भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और साथियों की समस्याओं का निराकरण करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जय संगठन, जय भारत, जय हिंद।